हर्निया से बचाव के लिए योग के ऐसे 5 आसन जिनसे हर्निया से तो बचाव मिलेगा ही, साथ ही साथ जिनको हर्निया है उनको भी ये आसन करना अति आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे योग के 5 आसन बताऊंगा जो हर्निया से बचाव में अति लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो आएंगे मेरे साथ, करेंगे समय ना व्यर्थ करते हुए अभ्यास। तो सबसे पहले करेंगे वज्रासन। वज्रासन में इस प्रकार बैठें, दोनों पैरों को बेंड करें, अपनी हील के ऊपर बैठ के दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें और लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा ही श्वास को छोड़ें। 5 से 6 मिनट तक इस अभ्यास में बैठें। दूसरा आसन है नाव आसन। तो नौका आसन में आने के लिए हमें दोनों पैरों को पहले ऊपर की ओर उठाएं, फिर दोनों हाथों को आगे रखते हुए कमर को स्ट्रेट करें और रुके रहें इस स्थिति में। 3 से 4 बार इस स्थिति को 10-10 सेकंड काउंट करके रुकें, फिर रिलैक्स करें। तो ये था दूसरा अभ्यास। अब आएंगे तीसरे अभ्यास के लिए, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में इस प्रकार लेट जाएं और दोनों पैरों को बेंड करें, दोनों नीज को अच्छे से ग्रिप करें और श्वास छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने घुटने से टच करें इस प्रकार। यू कैन पॉसिबल होल्ड रखें और उसके बाद रिलैक्स करें। अब चौथा आसन है उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में आने के लिए पीछे की ओर लेट जाएं कमर के बल और दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं, पूरा जहां तक आप उठा सकते हैं उठाएं और फिर एक्सहेल करते हुए डाउन करें, फिर इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन। 3 से 4 बार उत्तान पाद आसन करने के बाद आएंगे 5वें आसन के लिए। आएंगे 5वां आसन हमारा मेन आसन है विपरीत करणी आसन। अगर आपको विपरीत करणी आसन में मूल बंध लगाना आता है तो मूल बंध का प्रयोग करें, ये ज्यादा लाभकारी है। तो आएंगे विपरीत करणी आसन के लिए, कमर के बल लेट जाएं और सबसे पहले धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए आएं हलासन में और फिर दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपनी स्पाइन को कुछ इस प्रकार उठाएं और होल्ड रखें। इसमें मूल बंध का प्रयोग करें अगर आपको मूल बंध लगाना आता है तो, वरना आप ऐसे ही रोक के रखें और फिर धीरे धीरे वापस छोड़ें और रिलैक्स करें। प्रत्येक आसन में 3 से 4 मिनट तक रुकने की कोशिश करें और प्रत्येक आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। ये आपकी हर्निया को तो खत्म करेगा ही, साथ ही साथ में कोर मसल को भी एक्टिव कर देगा, पेट की सभी मांसपेशियों को मजबूत करेगा और पेट के अंदरूनी अंगों को भी मजबूती प्रदान करेगा। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।